assalamu alaikum students today we will start with the new chapter that is chapter 8 environment from geography and third chapter of final term okay in this chapter we will learn about that how we uh, we can keep our environment healthy and safe from the diseases and the viruses or the or from uh, pollution okay so uh, there are three <coughs> type of pollutions like uh, air water land so how you can keep your land uh, clean neat and clean by putting the garbage in the dustbin or in the proper way avoid burning the garbage and in the industry in the residential area in industrial area you can uh, burn you you are easily burn you can easily burn the garbage etc and uh, like uh, you can use if you are uh, using यूज़ ऑफ़ प्लास्टिक मस्ट बी प्रोहिबिटेड और पॉलिथीन बैग्स एक्सेट्रा बॉटल्स टिन कैंस पेपर और इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग तो यूज़ करते हैं तो उनको डस्टबिन वगैरह में थ्रो करें उनको री यूज़ ना करें अगर आप किसी ट्रैवल पर हैं तो you can use the disposable, uh, utensils, यू कैन यूज़ द डिस्पोजबल यूटेंसल्स ठीक है यू डिस्पोजबल जो आप फेंक सकें ठीक है प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें जिस तरह से एक विलेज लाइफ पहले हमारे पास बिल्कुल फ़्रेश होती थी अब हमारे पास जो है अगर हम सिटीज़ टाउन्स और ये देखें तो ये गैसेस और नॉइज़ की वजह से और ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे पास है या कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास इतने ज़्यादा अमाउंट में रि रिलीज हो रहा होता है उसकी वजह से जो है इन्वामेंट हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस और टॉक्सिक हो चुका है सो वी हैव टूब प्रोहिबिटेड ऑल दिस ऑल दीज थिंग्स ग्रीन प्लांट्स का इन्वायमेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो दे कैन इन्हील द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सल द ऑक्सीजन तो इट कैन कीप द इन्वायरमेंट क्लीन एंड फ़्रेश ओके सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन यूज़ क्लीन एंड फ्रेश वाटर ठीक है जो इंडस्ट्रीज़ पानी रिवर में अपना अपनी जो जितनी भी यूजलेस मटेरियल है या टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स है वो रिवर्स वगैरह में जा रहा होता है जिसकी वजह से फिश डेथ हो जाती है पानी जो है वो हमारे पास गंदा हो जाता है और फिर वो पानी हमारे पास घरों तक आ रहा होता है तो दैट इज़

that so that is not good okay students that's it so you can read the chapter very carefully and make the objectives thank you Allah Hafiz